संतों के पाइये दुर्लभ हरी निदान। विकट पंथा है, विकट रास्ता है, बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। कबीर का घर शिखर पर जाना सिल हल्ली गैन, अब पावर टिके पपी का अब पंडित ला दे। कबीर साहब कहते हमारे घर शिखर पर है, अरे चिट्ठी का भी पैर लड़खड़ा जाता है, अब पंडित बैल पर वेद ला करके चल रहा है। ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरण लवलीना रे, भक्ति का मार्ग बड़ा जीना है। तो भजन ध्यान करने से मन बारीक होता है, सूक्ष्म होता है। इसलिए कहते हैं मन महीन कर लीजिए, मन को महीन बनाइए, मन को बारीक बनाइए। हमारे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं याद नहीं होता है, क्यों नहीं याद होता है? मन बिखरा हुआ है। अगर विद्यार्थी भी ठीक से ध्यान भजन करे तो उसके लिए एकाग्रता बढ़ जाएगी। विद्यार्थी के पांच लक्षण बताते हैं, अल्पाहारी कम खाओ, गृहत्यागी, गृहत्यागी मतलब घर छोड़कर जंगल ले चले जाओ, घर में डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा बालकोनी में चले जाओ, जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं हो वहां पढ़ लो जाकर। तो कम खाओ पहली बात है। दूसरी बात है गृहत्यागी, एकांत में बैठ करके ध्यान करो। पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल में पढ़ते थे, अब गुरुकुल नहीं जाते तो कम से कम एकांत में तो बैठो। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए। बको ध्यान, बगुला की तरह चेष्टा करना चाहिए, बगुला की तरह ध्यान करना चाहिए, और खाक चेष्टा कौवा की तरह चेष्टा करना चाहिए। विद्यार्थी के पांच बच्चे हो जाए, पहले जो ऋषि मुनि ध्यान करते थे ना, महर्षि पाणिनी जी के बारे में आता है। महर्षि पाणिनी एक ऋषि हुए थे, वो जंगल में समाधि में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो समाधि में चले गए और भगवान शंकर के डमरू बजाए। भगवान शंकर के डमरू बजाए तो 14 शब्द निकला उसे, वो शब्द है अयुन, अयम, अवच, अवरट, लंड, यमगणनम, जभय, गणदस, जबगणदस, कपसट छठ तब कबय, शशर और हल, ये 14 वर्ण निकला। समाधि में सुने और उसको क्या किया, लिख लिए कागज में। ऐसी पर पांडे जी महाराज ने 4000 सूत्र बनाया, 4000 सूत्र जिसको पाणिनीय अष्टाध्याय बोलते हैं। अब इन्हीं के सूत्र को काट दिया भारतीकार ने, कात्यायन ने, एक दूसरा ऋषि भी कात्यायन, उन्होंने इस सूत्र का काट बना दिया। जैसे एक सूत्र है वृद्धराज, एक सूत्र है अधिक गुण, तो अधिक गुणों को वृद्धराज काट देता है, उधर नहीं जाएंगे ज्यादा, तो काट दिया। इनको गुस्सा आ गया पांडे जी महाराज को, तो पांडे जी महाराज ने साफ दिया कजा को सिर खा जाएगा, बस सिर प्रकट हुआ उसको खा गया। तो योग में सिद्धियां भी है, लेकिन सिद्धि के प्रलोभन में साधक को पढ़ना है। अब हिमालय में एक भजनानंद जी महात्मा थे, उनको खड़ाओं पर करके पानी पर चलते देखा सामने, एक तो बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने देखा।
तब फिर आपको विश्वास हुआ। योग दर्शन में पढ़ते थे सब विधियां ऐसी दिया है, विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब सामने में लिख लिए तब हमको विश्वास हुआ कि नहीं वास्तव में ये सब सिद्धियां है। कोई चीज जब सामने में देखते हैं तब पता चलता है, सुनी सुनाई बात में उनका विश्वास नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज लिखी, मैं कहता आखन देखी। कबीर साहब कहते हैं ध्यान भजन साधन में दिखावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा पाखंड और अहंकार को छोड़ दो। अरे तुम्हारा क्या है जो अहंकार करते हो? शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, ज्ञान बुद्धि भी सब उसी का दिया हुआ है, जैसे है बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब अपने आप चल रही है क्या? ये बल्ब को जलाने वाली शक्ति है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिक आती है, बिजली आती है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर हम लोग लाते हैं अपने घर में वायरिंग करके। अभी अहंकार करिए हम जल रहे हैं, लोगों को जला रहा है। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें अहंकार नहीं करो, ध्यान भजन साधन मन लगा कर करो, मन लगा कर करो। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिटला कोई, जो कोई खेले वंचित लाए, अतः होते होते हो ये जाए। मन लगा करके अपना शक्ति लगाओ तो गुरु महाराज की भी शक्ति मिलेगी, ईश्वर की भी शक्ति मिलेगी और काम भी बन जाएगा। एक घर में हाथी पालना था खानदानी से, हाथी हथनी से पालता था, तो हथनी ने बच्चा की और वो अपने बेटा को पालवान बनाता था। वो तो हाथी ने बच्चे को कतल दिया, दो बार चार बार हाथी को बच्चा रोज उठा दे, हाथी बड़ा हो गया तो उठा लिया। अभ्यास करते करते क्या होता है? अभ्यास नाम गुरु का है, गुरु का नाम क्या है? अभ्यास। और चेला का नाम है अभ्यास नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे करो? परफेक्ट प्रैक्टिस करो। कहते हैं योग हृदय में वासना तनवास हो गया, योग हृदय में अपने मन को समाहित करो। इसके लिए गुरु जी ने युक्ति बताए हैं, इसको करो। एक आसन से निश्चित करते बैठो, हमारे गुरु आ कहते थे करके देखो, नहीं होगा तो हमको कहना। गुरु महाराज कहते थे करके देखो, नहीं होता है तो मेरे को कहना। एक बार हरिद्वार में, हरिद्वार की खाड़ी में ध्यानाभ्यास हुआ, हम लोग ध्यानाभ्यास में गए। अब तो साधु महात्मा को भी जंगल से हटा दिया है, ये हमारा जमीन को कब्जे कर लेगा, अब नहीं है। पहले आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत सारे साधक वहां ध्यान करने के लिए आए थे। एक साधक ध्यान कर रहा था, वॉलंटियर होते हैं देख रेख करने वाले, उन्होंने इधर उधर चौकसी कर रहा था, देख रहा था। अब गुरु की कृपा कब हो जाएगी क्या पता, बढ़िया से ध्यान किया, उसको अंदर में प्रकाश हो गया। जब अंदर में प्रकाश चमकने लगा तो उसको लगा कि कोई टार्च तो नहीं मार दिया, वो ध्यान तोड़ दिया और खड़ा हो गया। पूछने लगा, भाई हम लोग ध्यान करने के लिए आए अंदर दूर से, आप टॉर्च जला गए हो? महाराज मैं टॉर्च नहीं चला रहा हूं। बोला नहीं चलाया तो फिर प्रकाश कैसे हुआ? फिर ध्यान में बैठा, थोड़ी देर के बाद फिर अंदर में लाइट दिखाई, फिर उठ के भागा। आके देखो मजाक करते हो तुम, बार बार जलाते हो, इस बार भी जला दिया। नहीं चलाया हूं मैं, देख लो हम
तुम्हारे पास टॉर्च है, बोला नहीं टॉर्च तो तुम्हारे पास नहीं। तब उसको दूसरा आदमी ने कहा कि देखो ये बिल्कुल टॉर्च नहीं जलाया है, मैं सही कह रहा हूं, मैं ससंगी आदमी को झूठ नहीं बोलता। तो उसको विश्वास हुआ, गहरे अंदर का प्रकाश हुआ, अंदर का प्रकाश हुआ। देखो अंदर तारा भी है, चांद भी है, सूरज भी है। गुरु नानक साहब कहते हैं तारा चढ़िया लम्मा, क्या बोलते हैं तारा चढ़िया लम्मा, तारा चढ़िया लम्मा मतलब क्या हुआ? गुरु नानक साहब कहते हैं मैं फांद गया तारा पे चढ़ गया, आप तारा पे चढ़िए फांदिए एकदम ऊंचाई पर, लेकिन सब लोग फांद गए, बोले मैं फांद करके तारा पे चढ़ गया। अब फांदा क्या शरीर, शरीर नहीं फांदती है, सूरत फांद जाती है। सूरत बहुत बारीक चीज है, मन उल्टे तो सूरत, सूरत मन का, मन का रूप, मन उल्टे तो सूरत खराब हो गया। और कहते हैं गुरु मऊ सूरत को गगन पे चढ़ा दिया, हे गुरु महाराज हमारी सूरत को गगन पर चढ़ा दे दिया, आप दया करिए, दया करो, दया करके आप चढ़ा दे, दया करके सतगुण की धारा, सतगुण क्या शासन है, शासन को पकड़ा दीजिए आप। पापों के संस्कार जन्मों के में रहे गुरुदेव, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप है, पापी है जन्म जन्मांतर, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे आयुज, दया कर क्षमा कर बेटा, आप दया करिए क्षमा कर दीजिए हमारी गलती को, क्योंकि तो समदर्शी प्रभु नाम तो है, आप समदर्शी हैं, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। सूरज चढ़ जाती है, गुरु महाराज कहते सूरज प्राणी रहे आकाशा अत्यंत कृति में निष्दिन भाषा, तो सूरत ऊपर चढ़ती है। राजा स्वामी जी महाराज ने कहा सूरत क्यों भूली नहीं, अचेत चलो स्वामी पास। हे इंद्रिन तू भोग दीवानी, अब क्यों पढ़ो काल के फांस, अब जल्दी से तू मुख को मोड़ो अंदर का जब विलास। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बहुत बड़ी योगी हुए, और रामतीर्थ जी महाराज प्रोफेसर थे पहले लाहौर में, लाहौर यूनिवर्सिटी वहां प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स, बड़े सज्जनी थे, शादी विवाह भी हुआ था, बाल बच्चे भी थे रामदत्त जी महाराज, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज आए थे उस लाहौर में, उनका व्याख्यान था, दोनों महापुरुष समकालीन थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को अमेरिका में कोई ओमेगा घड़ी दिया था, ओमेगा, तो स्वामी विवेकानंद जी भी बांधते नहीं थे घड़ी, पॉकेट में बड़ी श्रद्धा से दिया था, पॉकेट में रख लिया, तो सोच रहे थे कोई अधिकारी मिलेगा तो दे दूंगा, तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के खलाई में बांध दिया था स्वामी विवेकानंद जी महाराज घड़ी। लेकिन ये भी बड़ी बैरागी थे, राम तीर्थ जी महाराज ने किसी को दे दिया, बड़े विलक्षण थे स्वामी राम तीर्थ, बहुत बड़े योगी थे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। जब वैराग्य हो गया, वैराग्य होने का मतलब क्या, संसार झूठा लगने लगता है, संसार को मन नहीं लगता है, भागी भागी फिरता है, कोई काम में मन नहीं लगेगा, वो लगेगा कि बस कुत्ता भोग रहा है, हाँ इसको वैराग्य है उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको परमात्मा से मिलने की बड़ी लालसा है, दुनिया में उसको मन नहीं लगता है,
देखिए इसके तो योगी लोग जो होते हैं महात्मा लोग होते हैं मौन हो जाते हैं, क्या होते हैं मौन हो जाते हैं, इसे बोले लालकृष्ण परमहंस जी महाराज मौन हो गए, इसे बोले लालकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे संसारियों से बोलते बोलते हमारा मुंह पक गया, कंठ पक गया, संसारियों की बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए, हे मां इन लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती, कम से कम एक हंस को तो भेजो। वही नरेंद्र देव भैरव कहते हैं रामचंद्र जी महाराज को जो वैराग्य हुआ, दो बेटा था, एक था दो साल का, दो साल का भी नहीं डेढ़ साल का, और एक था सात साल का, जब इनको वैराग्य हो गया तो इन्होंने सोचा कि भजन करेंगे, नौकरी रिजाइन कर दिया, आप सोचे भागेंगे, धर्म पत्नी को पता चल गया, धर्म पत्नी कहते स्वामी हम भी जाएंगे तो खाद्य भी तुम कैसे जाओ, दो बेटा है, बोला आप क्यों जाएंगे फिर, मैं आपके अर्धांगिनी हूं, मैं भी आपके साथ जाऊं, रामचंद्र ने कहा ठीक है जाओगे तो ले चलूंगा, लेकिन मैं जैसे कहूंगा वैसे रहना हो, बोला क्या, बोला पहले तो दोनों बेटा है भजन में बाधक है, बेटा को ले जाओ जंगल में छोड़ा, वो क्या करती है अपना बेटा को, बड़ा बेटा को जो सात साल का था ले जाती है जंगल में, जंगल में छोड़ करके भाग आती है, दूसरा बेटा था, दूसरा बेटा को भी बोला ये भी बाधक है इसको भी ले जाओ, उसको ले गई चौराहे पर, मां और डेढ़ साल का बच्चा है, माता उनकी पकड़ी हुई है, हाथ पकड़े हुई है, अम्मा जबरदस्ती छुड़ा रही है, हाथ छूट जाता है लेकिन बच्चा फिर हाथ पर उंगली पकड़ ली, माँ का बासल्य भाव फिर उड़ गया, लेकिन फिर भी माँ सोचती है चाहे बेटा का संग छूट जाए लेकिन पति का संग बना रहे, क्या किए आप गई वहां से, बच्चा रोता रह गया जंगल, रामचंद्र से कहती है स्वामी अब तो ले जाइए ना मुझे, रामचंद्र कहते देवी अभी भी ले जाओगी हमारे साथ, बोला क्यों, बोला अभी तो सुहागिन बनी हुई है, तुम्हारे हाथ में चूड़ी है ये सुहाग का प्रतीक है, पत्थर पर पटक दे, ये कैसे होगा, आप हमारे पतिदेव है, बोला ऐसा करना पड़ेगा, क्या करती है चूड़ी को पटक देती है पत्थर पर, चूड़ी फूट जाती है, अब कहते स्वामी अब तो ले जाइएगा ना, कहते अभी भी नहीं, बोला अब क्या विलंब है स्वामी, बोलते अभी भी बहुत विलंब है, बोला क्या, कहते हैं मां का सिंदूर धो दो, अरे कैसे हो सकता है, तू हमारे साथ कैसे जा सकती है, राम का घर शिखर पर तू कैसे जा सकती है, पति का सिंदूर छोड़े सिंदूर भी धो देती है, अब कहती है आप तो जाएंगे स्वामी, कहते अभी भी नहीं, कहो राम पर गिरा है, बोला ये कैसे हो सकता है, बस वही राम को छोड़कर के भाग जाते हैं, सात दिनों तक रामचंद्र जंगल में पागल की तरह कृष्ण 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 करते रहते, आकाश की तरफ देखते हुए, सात दिन तक खाए नहीं, सात दिन तक बैठे नहीं, सात दिन तक सोए नहीं, मित्र मित्र करते रहे, कृष्ण कृष्ण मेरे मित्र तुम्हारे योग में सात दिन तक खाया नहीं, सात दिन तक जल नहीं पिया, सात दिन तक सोया नहीं, सात दिन तक बैठा नहीं, क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, बताते भगवान श्री कृष्ण आ गए और गले से मिल गए। श्री सतगुरु महाराज की जय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है,
परमात्मा मिल गए तो बाकी क्या है, कुछ बाकी नहीं रहता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन योगी बन। तो मैं कह रहा था एक आसन से साधक अधिक देर तक बैठ कर जाए, काम धंधा कर दिया दाढ़ी का अंत है, किंतु परंतु का नाम संसार है, कोई काम नहीं होता। बोलते क्या करें बाबा, भजन तो करना चाहते हैं किंतु किंतु परंतु का नाम ही संसार है। संसार थी संसार जो सरक रहा है एक जैसा नहीं, उसे संसार। लेकिन थोड़ा मन को मार ली तो फिर भजन हो जाता है, सत्संग हो जाता है। मन मारो तन बस करो, साधु सकल शरीर अभिकर भार पत्नी करे, ताका नर फकीर का मतलब ये नहीं है कि लाल कपड़ा पहन लिए तो आप योगी हो गए। लाल कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं होता, माथा मुनाने से कोई योगी नहीं होता। अभी सुने गुरु नानक साहब की वाणी, योग रखिन था किता तत कुदड़ी पर, कुदड़ी को कुदड़ी पहनने से कोई योगी नहीं होता है। योग न डंड है, एक संप्रदाय के महात्मा होते जो दंड रखते हैं शंकराचार्य वाले, दंड रखने से कभी योगी नहीं होता। योग न भस्म चढ़ाइए, एक संप्रदाय के महात्मा होते जो भस्मी बोलते हैं पूरे शरीर में, और एक महात्मा होते गोरखपंथी जो कान फड़वा लेते हैं और सिंगी बजाते हैं। एक बार की बात है, बाबा देवी साहब बड़े हर पर बोला महात्मा थे, वो सत्संग करके कहीं से आ गए, तो एक गोरखपंथी महात्मा लोगों को दिखा रहा था, कुछ सिंगी बजा रहा था, बड़ी भीड़ थी वहां। बाबा देवी साहब भी आए तो बजाना बंद कर दिया। तो बाबा देवी साहब ने पूछा, भाई अभी तो तुम बजा रहे थे, अब मैं आया तो बजाना तो बंद कर दिया, क्या बात है, हमको भी कुछ सुना दो। उन्होंने सोचा कि ये लोग को सुनाए तो ये लोग कुछ देगा, ये बाबा पकड़ दास क्या देगा हमको, कुछ देगा नहीं। बाबा देवी साहब ने कहा, हम भी तुमको कुछ दे देगा, सुनाओ। तो सुना देने का, चलो बाबा सुना देते हैं। बाबा देवी साहब सुन ली, अब कहते तुम्हारा तो सुन लिए, अब जरा हमारा भी सुन ले। बाबा देवी साहब से माथा छू देते हैं, अब जैसे ही माथा छुए दे उसकी समाधि ले गई। बहुत देर के पास समाधि बाबा देवी साहब की, फिर माता छू दिए, फिर समाधि चली गई। उतना बाबा आपको क्या दिखा दिया, बाबा मैं दूसरे लोक में चला गया था, बाबा बड़ी शांति में था मैं, बाबा आप धन्य है, आप बड़ी कृपा है। अरे संत महात्मा जो दादा अनुसंधान की क्रिया करते हैं, छू देते हैं, करंट लग जाता है, और करंट लग जाता है, करंट लगता है। जो दादा अनुसंधान की क्रिया करते हो, सार शब्द की करे कमाई बीज घर जावेगा, सात शब्द जो है शब्दपद की एक साधना है, मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग के बाद सात शब्द, इसको दादा अनुसंधान कहते हैं, दूसरा दीक्षा लेना पड़ता है। और इस क्रिया में जब पारंगत हो जाते हैं क्या करना है, इसलिए एक आसन से अधिक देर तक बैठना चाहिए, ध्यान प्रकार संध्या करनी चाहिए, अस्तुति वृद्धि करना चाहिए, और पांच पाप से भी आपको सदा बचाते रहना चाहिए, तभी हम ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं। समय कितना होगा, देखिए शरीर का भोजन अन्न है,